तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल से या किसी भी चीज़ से रिकॉर्ड की गई ऑडियो को YouTube रेडी बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपकी वीडियो क्वालिटी है जो चाहे जैसी भी हो, ऑडियो क्वालिटी अगर सही नहीं होगी तो वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। YouTube पे हमेशा ही ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और जो भी हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो एक ऐप यूज़ करते हैं जिससे कि वो अपनी ऑडियो क्वालिटी को एक अच्छे लेवल पे लेके आते हैं। सो दोस्तों नो डाउट कि इक्विपमेंट्स भी उतने ज़रूरी हैं, लेकिन अभी हम देखें कि मोबाइल से रिकॉर्ड की गई ऑडियो को भी हम कैसे अच्छी तरह से ट्रीट करके एड करके उसको यूट्यूब रेडी बना सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपनी Audacity की स्क्रीन की तरफ। सो ये है हमारी Audacity की स्क्रीन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक सैम्पल ऑडियो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली है। सो ये है, और अगर आप डायरेक्टली भी चाहें तो Audacity से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस बटन को दबा के। तो सबसे पहले इसको सुन लेते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई साउंड कैसे सुनाई देती है। Facebook लोगो का कलर ब्लू ही क्यों है, इसका रीजन तो जैसे कि आप सुन सकते हैं ये एक फैक्ट वीडियो का ऑडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो इस पे आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको नेचुरल वे में सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसी कहीं जगह पे रिकॉर्ड करें या फिर रात को रिकॉर्ड करें अपनी वॉइस जब ज्यादा शोर ना हो। तो सबसे पहले कोई भी खाली पार्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिर्फ एक नॉइस का पार्ट है इस पूरी ऑडियो में। तो ऐसा ही एक पार्ट देख के हम पहले सिलेक्ट करेंगे, देन हम इफेक्ट में जाएंगे और नॉइस रिडक्शन को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा यही स्टेप है कि हमें नॉइस रिड्यूस करनी है। सो इसका भी दोस्तों ध्यान रखना है कि इतनी ज़्यादा नॉइस नहीं रिड्यूस करनी कि हमारी वो जो वोकल है वो नेचुरल ही साउंड ना करे। सो नॉइस प्रोफाइल को लेंगे, हमारी नॉइस प्रोफाइल कैप्चर हो चुकी है, सिलेक्ट ऑल करेंगे। सिलेक्ट ऑल करने के बाद इफेक्ट में फिर से जाएंगे और नॉइस रिडक्शन को फिर से सिलेक्ट करेंगे। सो जैसी भी हमारी सेटिंग है, जो भी हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, हम उसी से पहले देखें कि हमारी नॉइस को क्या फ़र्क पड़ता है, ओके करेंगे, या फिर आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। मैं ओके पे जाऊंगा। सो यहाँ पे विजिबल भी है कि बहुत सारी इन्होंने नॉइस को रिमूव किया है। अभी हम सुन के देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा पहले से। ब्लू ही क्यों है, इसका रीज़न ये है कि मार्क, जैसे कि आप सुन सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ चुका है, नॉइज़ जितनी पहले थी उससे काफ़ी कम हो चुकी है। अगर अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप एक और स्टेप इसी का कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी वॉइस ज़्यादा ही वॉबली सी ना हो जाए। सो अगला स्टेप हमारा होगा कि हम कुछ अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज हैं जो इस ऑडियो से निकाल दें। तो उसके लिए हम पहले तो इसे सिलेक्ट करेंगे। सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि हमें सिलेक्ट करना ही, अगर इस पर कोई भी इफेक्ट हमें डालना है सिलेक्ट करना ही होगा हमें ऑडियो को। सो यहाँ पे सबसे पहले हम एक इक्वलाइजर को सर्च करते हैं। सो यहाँ पे हमें एक फिल्टर कर्व का EQ दिख रहा है, सो इसी से हम पहले अपना काम चलाएंगे। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने 20 हर्ट्ज़ से लेके तकरीबन 60 के ऊपर मैंने फ्रिक्वेंसीज को डाउन कर दिया है, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी वोकल की फ्रिक्वेंसी इतनी नीचे होती ही नहीं है। सो इसको पहले मैं प्रीव्यू करूँगा। Facebook लोगो का कलर ब्लू ही क्यों है, इसका रीज़न तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई वॉइस में। तो अगर आप इतनी ही क्लैरिटी चाहते हैं तो इसको भी हम रख सकते हैं ऐसे ही, नहीं तो अगर आवाज़ चुप सी रही है तो आप यहाँ पीछे से भी इसको डाउन कर सकते हैं। फिलहाल तो ये आवाज़ ठीक लग रही है। EQ करने के बाद अगला स्टेप हमारा होगा कंप्रेस करने का। सो एक कंप्रेसर लेंगे हम। कंप्रेसर से क्या होगा, अगर हमारी वॉल्यूम ऊंची या नीची जा रही है उसको एक सही लेवल पे ले आएगा ये। सो हमारी आवाज़ ना ही ज़्यादा लाउड होगी और ना ही ज़्यादा स्लो होगी, शुरू से लेकर एंड तक हमारी वोकल एक लेवल तक रहेगी। सो इसके जो पहले डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं। सो अगर आपकी ये वोकल बिल्कुल ठीक है प्रीव्यू करने के बाद तो आप इसकी सेटिंग्स ना ही छेड़ें, और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कुछ ऊपर नीचे तो आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आपको कहाँ तक ट्वीक करके आपकी आवाज़ सही लग रही है। सो मैं रिकमेंड करूँगा अभी के लिए आप ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही जाएँ और ओके प्रेस करें। सो वेवफॉर्म में भी हम देख सकते हैं थोड़ा चेंजेस हुआ है। सो अभी तक तो काफ़ी हद तक हमारी वोकल बहुत क्लीन भी होगी होगी और थोड़ी लेवल में भी होगी होगी एक। सो अभी सुन के देते हैं का कलर ब्लू ही क्यों है, इसका रीज़न ये है।
सो जैसे कि आप सुन सकते हैं, हमारी आवाज़ बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाई दे रही है, जैसे कि पहले थी उससे बिल्कुल अलग। सो अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा इसमें करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम और लाउड कर सकते हैं। वो कैसे होगा, नॉर्मलाइज कर देंगे हम इसको। क्या करेंगे, जो भी इसकी हाईएस्ट पीक है, नॉर्मलाइज का ऑप्शन उसको टच कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट पीक मैंने -1 रखी है, तो नॉर्मलाइज उसको -1 तक ले जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो भी रिकॉर्डिंग थी वो पहले से ही काफ़ी लाउड थी, तो नॉर्मलाइज करने के बाद वो एक सर्टेन पीक पे चली गई है। तो यहाँ तक तो दोस्तों सभी स्टेप्स ऐसे हैं कि आपकी आवाज़ यूट्यूब के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी, और आपकी एडिटिंग में इन सिंपल स्टेप्स के अलावा कोई और स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई थोड़ी सी एम्बियंट सी साउंड चाहते हैं, या फिर आप कोई मोटिवेशनल कोई भी स्पीच बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जहाँ पर थोड़ा सा अच्छा फील हो लिसनर को, तो आप इसमें रिवर्ब डाल सकते हैं थोड़ा सा एम्बियंस देने के लिए उसको। तो रिवर्ब पे जाएंगे। तो जैसे कि हम सुन सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो अपने हिसाब से हम जो भी है वेट गेन या ड्राई गेन, जब इनको अपने हिसाब से रख सकते हैं, और रूम साइज़ को भी अपने हिसाब से हम ट्वीक कर सकते हैं। थोड़ा सा कम ही करेंगे, अभी प्रीव्यू करके देखता हूँ। फेसबुक लोगो का कलर ब्लू ही क्यों है? सो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मैं मोटिवेशनल स्पीच देने जा रहा हूँ, या कुछ भी ऐसा जो या तो स्पिरिचुअल हो, ऐसा कुछ तो रिवर्ब से कुछ ऐसा एम्बियंस क्रिएट हो जाएगा। सो दोस्तों ये स्टेप तो एडिशनल था, अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं तो बिल्कुल ऐसे ही आपके वोकल बिल्कुल सही लगेगी। जैसे कि आप सुन सकते हैं पहले से बहुत ज़्यादा फर्क है। फेसबुक लोगो का कलर ब्लू ही क्यों है, इसका रीज़न ये है। सो ये आपकी वोकल हो चुकी है YouTube पे अपलोड करने के लिए रेडी। सो इन एडिशन टू दिस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन सब में, तो आप एक माइक ले लें और एक ऑडियो इंटरफेस ले लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।